हेलो दोस्तों, आगे मैं एक नई वीडियो के साथ में और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बात करने वाले कि कैसे आपने अगर विंडोज़ का न्यू सिस्टम इंस्टॉल किया है या पुराना भी है तो आप वन बाय वन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। जैसे कि देख सकते हो एप्लीकेशन मेरी कुछ है, तो एप्लीकेशन वन बाय वन डाउनलोड करने के बजाय पूरा बल्क में एक एप्लीकेशन का स्टॉक डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। ओपेरा खोल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेरा पे सर्च करेंगे नाइनाइट, मैं इसकी nineite.com मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फटाफट आप सर्च करेंगे जैसे ही इंटरनेट पे गूगल पे, तो आपको पहली वेबसाइट जो मिलेगी ये देख सकते हो आप, पहली वेबसाइट है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें डिफरेंट तरह की कैटेगरीज देख सकते हो आपकी इन्वॉल्व है। ये वेबसाइट है, कुछ इस तरह का इसे इंटरफेस है और इस पर सारे लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएंगे, जितने भी लेटेस्ट वर्जन है ऐप के वो है। और कैटेगरी वाइज दिया है जो भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने से देख सकते हो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, जो भी आपकी बेसिक एप्लीकेशन है, ऑफिस की एप्लीकेशन है या टास्क की एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन आप उसको बल्क में टिक बाय टिक करके डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करेंगे, जैसे मैं आपको एक दो टिक करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे मुझे क्रोम चाहिए या और डिफरेंट ऐप जो चाहिए मैं टिक कर लूँगा, एज अकॉर्डिंग टू यू आप चेक कर लो। तो आपने डिफरेंट एप्लीकेशन टिक कर लिया, जैसे मैंने टीम व्यूअर भी टिक कर लिया यहाँ पे क्योंकि मुझे टीम व्यूअर का यूज़ होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर यू नो रिक्वायरमेंट आप डिफरेंट एप्लीकेशन चूज़ करते हो। 7-Zip जैसे जिप फाइल अनजिप करने के लिए जो भी एप्लीकेशन होती है वो आप टिक कर सकते हो। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, स्पॉटीफाई है, तो हर तरह की एप्लीकेशन आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। फिर स्क्रॉल डाउन करोगे और गो टू 9ite पर क्लिक करोगे। सेकंड है डाउनलोड योर कस्टम इंस्टॉलर एंड अपडेटर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक आपको सेकंड पेज पर खुलेगा और एक न्यू इंस्टॉलर डाउनलोड क्लिक हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो फाइल लोकेशन पूछेगा कहाँ पे आपको सेव करना है, तो आप जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ पे सेव कर सकते हो, CRT ड्राइव में कोई भी। इसको सेव करेंगे और फटाक से एक इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो एक इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे देखो देख सकते हो आइकन आ गया। इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ये परमिशन मांगेगा और स्टार्ट हो जाएगा आपको। अगर ये रन एंड एजमेंट करोगे तो आप डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। इसे तो आप अनजिप कर रहा है फाइल और यहाँ पे परमिशन मांगेगा। परमिशन मांगने के बाद देखो आप फिर से स्टार्ट हो गया ये इंस्टॉल होना। तो अभी वन बाय वन इंस्टॉल होगा। यहाँ पे शो मोर पे आप करोगे तो डिफरेंट एप्लीकेशन जो भी आपने चूज़ की थी वहाँ से वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाएगा। तो मैंने जैसे क्रोम 7-Zip इंस्टॉल किया था, VLC तीन चीज़ों का प्रोसेस दिखा रहा है। तो फर्स्ट क्रोम इंस्टॉल हो रहा है वन बाय वन। आप कैंसिल भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन चाहिए। कुछ गलत आ गया हो तो वो भी आप डिफरेंट कर सकते हो। तो वन बाय वन थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोसेसर एंड इंटरनेट स्पीड, तो उस हिसाब से ये डाउनलोड होगा प्रॉपर। तो मैंने तीन ही एप्लीकेशन डाउनलोड किए बिकॉज मैं आपको दिखाना था कि कितने तरह के एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन टोटली यू कि आप कौन कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा वे है कि आप वन बाय वन अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट पे जाओगे, आप इंस्टॉल करोगे, इससे अच्छा एक बल्क में एक वेबसाइट पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सारे एप्लीकेशन के डाउनलोड मिल जाएंगे और काफ़ी जेन्युइन और अपडेटेड वर्जन मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो अभी क्रोम इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको उसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोम डाउनलोड हो गया है। तो ये देख सकते हो आप क्रोम यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बाकी एप्लीकेशंस को मैं कट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोसेसर और इंटरनेट स्पीड, ये टाइम लेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से बहुत ही आसानी से बल्क में एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। मैंने कैंसिल कर दिया है ताकि आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लेना। तो बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। कोई भी सवाल इस वीडियो के रिगार्डिंग और डिफरेंट वीडियोस के रिगार्डिंग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल बहुत नया है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।